तो देखिए बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता कृष्णा सिंह कल्लू लगातार जो है वो भगवा रंग का अबीर जो है वो लगा करके जश्न मना रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग एनडीए? आज पूरा बिहार भगवा रंग में तब्दील हो गया है। जिस तरीके से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राम जी को लाया गया है, देश की जनता की ओर से लाया गया है, वहीं दूसरी ओर बिहार में सम्राट चौधरी और भाजपा के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार बना है, यह ऐतिहासिक फैसला है। यह लवकुश की सरकार एक इतिहास रचने जा रहा है पूरे बिहार में। लेकिन कल्लू जी, कल तक तो आप ही लोग विरोध करते थे ना नीतीश कुमार का? भाई कल दिन शनिवार था और आज दिन रविवार है, तो दिन तो बदलते रहता है, समय बदलते रहता है और निश्चित तौर पर यह सरकार जो है इतिहास रचने जा रहा है बिहार में अच्छे कार्य से। काफी खुश नजर आ रहे हैं जी। बिल्कुल, हम लोग खुश हैं और खुशी सबसे ज्यादा इस बात की है कि आज हम लोग आदित्य L1 और चंद्रयान पर बैठा करके इंडिया अलायंस के जितने भी नेता थे उन सभी को हम लोग विदा कर दिए, सबको विदा कर दिए। कोई चंद्रयान पर भेजे हैं, आधा को आदित्य वन पर भेजे हैं। आज बिहार में राम राज्य की स्थापना के साथ साथ जो इंडिया अलायंस चल रहा था, जो बिहार को और भारत को भ्रमित करने का काम किया जा रहा था, उसको भी हम लोग आज धराशाही कर दिए और 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनाने का काम करेंगे। हाँ जी, आज खुशी का बात है। हम लोग जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी राम जी को लाकर पूरे देश में राम राज्य स्थापित किए, उसी तरह सम्राट चौधरी को यहाँ डिप्टी सीएम बनाकर बिहार में भी राम राज्य की स्थापना की गई है। करके जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है राजभवन के बाहर ही खुशियां मना रहे। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी कार्यालय में क्या नजारा होगा उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।